दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अजीत पेंटर हैदरगंज। और हम सब आए थे आज विष्णु राज से मिलने, मुलाकात करने। ये मुलाकात करके आ रहे हैं, हाथ में मुहर देख लीजिए। ये मुलाकात करके आ रहे हैं, हम थे और चंदा भाभी और करमचंद भैया, सभी लोग मुलाकात करके आ रहे हैं। तीन ही लोग गए थे, बाकी तो आए थे बहुत लोग, बहुत सारे लोग आए थे। हम आए थे, हमारे दोनों मैडम भी हैं, हम लोग बाहर बैठे, लेकिन हम ही गए थे मिलने के लिए। विष्णु भाई से मिल के आ रहे हैं। और ये हैं करमचंद भैया, दोनों लोग के साथ हम दो लोग गए थे। देखिए हम लोग मिल के आ गए हैं, अभी बाहर चल के बताते हैं क्या क्या बात है। और ये है क्या नाम है आपके चैनल का? शशि वर्मा यूपी है भैया। आए थे विष्णु भैया से मिलने, बट आधार कार्ड नहीं था, तो हमारे अजीत पेंटर भैया गए थे और करमचंद भैया गए थे, चंदा भाभी भी गई थी। तो आप लोग दुआ करिए, आशीर्वाद करिए, भैया जल्द विष्णु भैया जल्दी से छूट के आ जाए। छोटा सा बाबू आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी दुआ करिए। हाय दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है अजीत पेंटर हैदरगंज में। और हम सब लोग खलीलाबाद से वापस आ चुके हैं घर, अब चल रहे हैं घर। इसके बाद खाना पीना खाएंगे, इसके बाद वोट डालने जाएंगे। आज हमारे यहाँ वोट पड़ रहा है, 25 तारीख है। तो दोस्तों हम लोग कल का गए हुए थे, कल गए थे सुबह 6 बजे पहुंच गए थे भाभी के यहाँ। गए थे भाभी के यहाँ, पहुंच गए थे हम, गए थे और ये हमारी दीदी जी गई थी और ये पेंटर जी हैं गए थे, और वहाँ से भी भाभी गई थी, चंदा भाभी और सारे लोग गए, करमचंद भैया और पेंटर जी भी विष्णु राज से मिलने गए थे। कहाँ गए थे जी? ये संत कबीर नगर गए थे, संत कबीर नगर जेल में, संत कबीर नगर जेल में गए थे। जिला कारागार संत कबीर नगर, तीनों लोग विष्णु राज से जेल में मिलके बात करके, हम थे और चंदा भाभी थी और करमचंद भैया, तीनों लोग हम सब लोग मिलके आए। भाई उनसे विष्णु राज चौहान से बहुत रो रहे थे बेचारे, और हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहानी बता रहे थे कि सब लोग सपोर्ट करिए भैया, सब लोग से कह रहे हैं कि भैया जी जल्दी से जेल से बाहर आ जाएं। और एक छोटा बाबू है, वो भी बहुत तड़प रहा है कि पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, किसके सहारे जिए, बहुत रो रहे थे। तो सब लोग सपोर्ट करिए भैया ज्यादा से ज्यादा, मम्मी नहीं है तो पापा तो है, कम से कम पापा तो देखेंगे। और हम सब लोग पहुंच गए हैं अपने घर, और घर पहुंच गए हैं दोस्तों। गए थे कल हम लोग सिद्धार्थ गौतम के घर गए थे, सिद्धार्थ गौतम के घर गए थे, उनके बड़े भैया की शादी थी, कल प्रेत भोज था, कल आइट होम था। तो वहाँ से हम लोग अभी आ चुके हैं घर पे, भाभी के यहाँ निकले हैं, 1:30 बजे निकले थे, 4 बजे पहुँचे हैं भाभी के घर। हम लोग गाड़ी से गए थे, 4 चक्का गाड़ी से गए थे सब लोग, मतलब 8-9 लोग थे, सब लोग गए थे। तो सब लोग भाभी के यहाँ आए, उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए, चल रहे हैं, पहुँच चुके हैं घर पे। अब घर पे पहले मंजन करेंगे, मंजन करेंगे, नहाएंगे, फिर खाना खा कर इसके बाद वोट डालने जाएंगे। वोट डालना है दोस्तों, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, पूरा एकदम परेशान हो गए हैं गर्मी से, लेकिन क्या करें, फिर भी हम लोग पड़ेगा दोस्तों। गए थे भैया के यहाँ और बहुत मस्ती हुई, बहुत मजा आया, और छुटकी राजा फन भी मिले थे वहाँ, और वहाँ पे वो रूप तारा भी आई थी, और निशा जलवंशी भी आई थी, जलवंशी आई थी, बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई वहाँ पे, सबसे मुलाकात हुई, और बहुत अच्छा लगा, सबके साथ फोटो टू हुआ था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, अब चल रहे हैं नहाए धोएंगे और खाना खाएंगे, मंजन करेंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद में शॉर्ट और वीडियो पड़ेगा शाम को, अभी लाइव आना है, कल से नहीं आए हैं, आज 9 बजे सभी से बता दे रहे हैं, आज 9 बजे तक लाइव आ जाएंगे शाम को, और 2 दिन से हम सब लोग लाइव में, हमारे दोस्त लोग इंतजार कर रहे होंगे, सब कह रहे हैं कि भाभी लाइव में नहीं जुड़ रही हैं, क्या और नजमा खातून दीदी तो कल लगभग 6-7 बार फोन की थी कि भाभी, लगभग 12-1 बजे तक फोन करती रही, हम उठाए नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था, वहाँ पे डांस वांस हो रहा था, सब लोग कर रहे थे और हम सब लोग बैठ कर देख रहे थे। उसके बाद जरूर तारा और निशा जलवंशी आई, हम सब लोग भी मस्ती किए, सब लोग मस्ती किए, इसके बाद फोटो वोटो खिंचाए, खाना वाना खा के, और छुटकी राजा फन भी आए थे जिनका हम फोटो बनाकर भेंट किए थे उनके शादी सालगिरह में। और तो
दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, देखने घर आ गया है, उसके बाद चल रहे हैं, अब हम लोग फ्रेश होंगे। ये देख लीजिए हमारा पक्का दिखा रहा महल, क्या कहे दोस्तों, पक्का नहीं हमारा है, महल तो दिखा, कुछ तो है रहने के लिए, ये हमारा महल है। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सब सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। अपना महल दिखा रहे हैं, देख लीजिए हमारा छत लदा हुआ है, पीला पीला, उसके बाद खिड़की कटी हुई है, हमारा महल है। ये महल से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी में गर्मी नहीं देता, ठंडी देता है, बहुत अच्छा है, लेकिन और बहुत ज्यादा गर्मी होता है, और ठंडी में गर्मी देता है। अभी सब लोगों को दिखा रहे हैं अपना महल अंदर में चल के, जब बाहर से तो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन अंदर भी आएंगे ना तो जाने का मन अच्छा नहीं करेगा, आप सभी लोगों को जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अंदर हमारी ठंडी रहती है। तो ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं, अब चल रहे हैं अंदर में, फिर हवा लेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है, खाना वाना खाएंगे, मंजन करेंगे, नहाए धोएंगे, मतलब बहुत सारा काम बाकी है करके, फिर आप लोग से मिलेंगे शाम को 9 बजे हम सब लोग आज लाइव आ जाएंगे, लाइव आएंगे, आप सब लोग जुड़ जाइएगा ढेर सारे संख्या में, और चल रहे हैं अभी मंजन नहीं किए हैं, तो दोस्तों आ जाइए, सब लोग चल रहे हैं, सब लोग से प्रणाम, हाथ जोड़ के हम लोगों की तरफ से नमस्ते प्रणाम, आप सभी को चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों, तो सब लोग ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए अजय सेंटर हैदरगंज को, और मिलते हैं शाम को, और मिलते हैं शाम को 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।